हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनलीश। मेरा नाम अमित कुमार, मैं कैनाइन ब्रीडर हूँ और काफ़ी टाइम से बेल्जियन मैलिनॉ ब्रीड करता हूँ। हमने कुछ डॉग गौशाला को दिए थे, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स हैं सिक्योरिटी को लेके या काफ़ी और भी चीज़ें हैं। तो मैंने एक चीज़ यहाँ पे नोटिस की, आज मैं आया और मैंने ये डॉग्स देखे। जो एक कॉन्सेप्ट बना हुआ है हमारे माइंड में, हम लोग जो सोचते हैं कि जी नॉन वेज खाएंगे, मीट और कुत्तों को ये देंगे तो ही कुत्ते अच्छे होते हैं, तो ही कुत्ते तकड़े होते हैं, नहीं तो उनके पैर ख़राब हो जाते हैं, उनके हेयर कंडीशन ख़राब हो जाएगी। ऐसी इमेज जो हमारी फूड कंपनियां हैं उन्होंने हमारे दिमाग में बना दी है, ठीक है। और ऐसी इमेज बनने की वजह से हम 1,000 रुपये किलो का, 800 रुपये किलो का, 900 रुपये किलो का, तो फूड एक बहुत ही एक्सपेंसिव मार्केट में जो आते हैं वो खरीद खरीद के अपने कुत्तों को खिलाते हैं। आज मैंने जो कंडीशन देखी है इन दो बच्चों की, जो ये अभी खाना खा रहे हैं, ये 5-5 महीने के बच्चे हैं, एक डच शेफर्ड है, दूसरा बेल्जियन मैलिनॉ। इन्होंने बचपन से अभी तक आज तक कभी नॉनवेज नहीं खाया और ये फुल वेजिटेरियन डॉग है। फर्स्ट टाइम मैंने कोई वेजिटेरियन डॉग इस तरह की कंडीशन में देखा। जो यहाँ पे माता जी हैं या ये जो बाबू जी हैं जो इनकी केयर करते हैं, इन्होंने बताया कि जी एक राजस्थान और हमारे हरियाणा के एरिया में एक राबड़ी बोलते हैं, जिसे जो दलिया होता है, दलिया को छाछ के अंदर पका के वो खाते हैं। तो कई बार वो जैसे सर्दियों में बाजरा मिला के बाजरे का दलिया, और गर्मियों में उसको जौ या गेहूँ का, इस तरह से खिलाते हैं। तो ये कहते हैं कि हम तो इनको वही देते हैं और दही देते हैं, पनीर देते हैं, और कभी कभी थोड़ा बहुत गाय का, जो गाय है क्योंकि गौशाला है तो गाय काफ़ी है, और थोड़ा बहुत दूध भी देते हैं। मैंने ऐसी कंडीशन आज तक किसी पब्स की नहीं देखी, कि नहीं बच्चों की नहीं देखी। लोग कहते हैं कि नॉनवेज ही नॉनवेज खिलाओ, तो मैं सब लोगों को यही बोलना चाहूँगा, ये वीडियो बनाने का जो मेरा मकसद एक छोटा सा यही है कि जो वेजिटेरियन खाना जो आपका है वो बेस्ट है। आप अपने कुत्ते को जो अपने घर में खिलाते हो, ये रोटियां भी देते हैं, ये सब कुछ देते हैं, नॉनवेज इन्होंने आज तक नहीं दिया, डॉग फूड इन कुत्तों ने आज तक नहीं खाया। पूरा केयर जो है माताजी करती है। तो माताजी गर्मियों में आप इनको जौ का दलिया देते हो, और सर्दियों में जौ और गेहूं का दलिया, अलग 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 अलग, कभी गेहूं का कभी इसका, और गर्मियों सर्दियों में इनको बाजरे का दलिया। रात वो दलिया जो बनाते हैं ये खुद भी उसको घर में खाते हैं, और रात में इधर रुका हुआ था गौशाला में, तो ये माता जी इसकी केयर करती है इन डॉग्स की, और मैं इधर था और मैंने भी वो दलिया खा के देखा, वो बहुत ज़्यादा टेस्टी था और बहुत अच्छे से। और आप डॉग्स की कंडीशन देख खुद देख सकते हो कितनी अच्छी कंडीशन है। तो और कुछ भी देते हैं इनको खाने में? पनीर वगैरह देते हैं? पनीर तो पनीर थोड़ी थोड़ी दे देते हैं इनको। तो ये माता जी पूरा इनका ध्यान रखती है। आप देखो कुत्तों की कंडीशन कितनी, इनकी डॉग्स कितनी ज़बरदस्त हो रखी है। तो देख, तो ये जितनी भी कंपनियां हमें बाहर की जो बहकाती हैं कि आप ये खिलाओ आप ये खिलाओ, तो इनके बहकावे में ना आए। वेजिटेरियन खाना आप दे सकते हो, आप एग्स दे सकते हो, आप नॉन वेज दे सकते हो, अगर आपके घर में खाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं दे सकते या फिर वो गलत है, गलत नहीं है, बट मैं यही सिर्फ दिखाना चाहता हूँ कि हमारा नॉर्मल खाना खाने से, दूध दही छाछ दलिया ये खाने से भी हमारे डॉग इतने हेल्दी हो सकते हैं। तो डॉग फूड को अवॉइड करें। आप खुद सोच सकते हैं, अगर आपके घर में बच्चे हैं तो आप पैकेजिंग वाला फूड, जो पैकेट वाला फूड होता है मार्केट में मिलता है, आप कितने दिन अपने बच्चों को खिला सकते हैं। तो डॉग फूड इनमें कुछ नहीं रखा, ये सब आप हमारे माइंड में इमेज बना दी है कि ये डॉग फूड अच्छा होता है। तो आप जो खिलाना चाहते हैं वो खिला सकते हैं, मगर ये डाइट भी बेस्ट है, इससे भी आपके कुत्ते तकड़े और हेल्दी हो सकते हैं और बीमारियों से बचे रहेंगे। डॉग फूड खाने वाले कुत्ते हमेशा ही, उनमें कोई ना कोई प्रॉब्लम, कोई ईचिंग होने लगती है, कुछ होने लगती है, मगर वेज खाने वाले कुत्तों को मैंने मोस्टली कंडीशन में देखा कोई दिक्कत, वेज नहीं नेचुरल खाने वाले, जो अपने घर का खाना होता है, घर का खाने वाले कुत्तों को कभी कोई प्रॉब्लम इस तरह की नहीं होती। तो आप ध्यान दें इन चीज़ों पर भी, तो हो सकता है आपको ये वीडियो थोड़ी हेल्प करे आगे अपने कुत्तों को कंडीशन करने में, या अपने कुत्तों को खाना देने में, या जो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव फूड नहीं खरीद सकते या ना खिलाएं, उनकी ज़रूरत हमें है ही नहीं, नेचुरल डाइट पे आप अपने कुत्तों को रखें।